एक आमदार जो खड़े हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए खड़े हैं, दूसरी जो खड़ी हैं वो अपने जिद में खड़ी हैं, और एक्चुअल देखा जाए तो मुजफ्फर हुसैन साहब जो खड़े हैं वो मुद्दे लेकर खड़े हुए हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की नगर सेविका सारा अकरम जी। चुनावी माहौल चल रहा है, इनसे कुछ मुद्दों पे मैं सवाल करता हूँ। सारा जी, मीरा भाईंदर में एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही घमासान चुनावी माहौल चल रहा है। सबसे बड़ा एक तो घमासान ये चल रहा है कि बीजेपी के ही दो लीडर, एक नरेंद्र मेहता और गीता जैन, जो एक ही खेमे में थे, लेकिन किसी वजह से जो है दोनों में से एक को टिकट मिला और दूसरे ने बगावत की, यानी कि अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हो गई। तो एक तो ये बीजेपी की हाल है। कांग्रेस ने और एनसीपी ने मिलकर मुजफ्फर हुसैन जी को टिकट दिया है इस बार 145 का। आप कांग्रेस की एक नगर सेविका हैं, इन सब मुद्दों को आप किस नज़रिए से देखती हैं? पहले तो मैं आफताब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इतने अच्छे सवाल दिए, और मैं उसका इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन जवाब दूंगी। जैसे आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर 145 विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारे जो उम्मीदवार हैं नरेंद्र मेहता जी हैं, गीता जैन जी हैं और हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब हैं। ये तीन जो हैं ये बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं तीनों, पर मुझे ये बोलते हुए बहुत हैरानी हो रही है कि 5 साल में एक आमदार जो खड़े हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए खड़े हैं, दूसरी जो खड़ी हैं वो अपने जिद में खड़ी हैं, और एक्चुअल देखा जाए तो मुजफ्फर हुसैन साहब जो खड़े हैं वो मुद्दे लेकर खड़े हुए हैं। हमारे मैनिफेस्टो में आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दों से भरा हुआ हमारा मैनिफेस्टो है। हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले मुजफ्फर हुसैन साहब ने टोल हटाने की बात की है। 5 साल में ये टोल का मुद्दा क्यों नहीं उठा? आप देखें, दूसरा मुद्दा है ट्रेन का। मीरा भाईंदर से बनके ट्रेन नहीं चलती। क्या मीरा रोड के लोगों को ये हक नहीं है कि वो भी यहाँ से मीरा रोड से खाली ट्रेन में बैठें? आज तक ये मुद्दों पे किसी ने बात भी नहीं की। आज हमने ये मुद्दे उठाए हैं तो लोगों को लग रहा है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये मुद्दे एक दिन में तो पैदा नहीं हुए, ये मुद्दे सालों से चल रहे हैं। आप अभी इलेक्शन के टाइम पे ही इन मुद्दों को क्यों उठा रही हैं? ये मुद्दे जो हैं ये इलेक्शन के टाइम के नहीं है, इसमें हमें बहुत दिनों से जो है हमारी सोच विचार, हमारी पार्टी की सोच विचार चल रही है इन मुद्दों पे काम करने की। पर इस टाइम पे, ये टाइम जब मुजफ्फर हुसैन साहब को जब टिकट दी गई है, तो इंशाअल्लाह ताला वो ये मुद्दों पर पूरा उतरेंगे और इन्हें पूरा करने की पूरी और पूरी कोशिश है। आपके हिसाब से, आप चुनावी कैंपेन में एक एक्टिव कार्यकर्ता हो, आप एक्टिवनेस से आप हर चुनाव में की रैली वगैरह में आप नज़र आते हो, आपके हिसाब से क्या माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों में बहुत उत्सुकता दिखाई दे रही है इलेक्शंस को लेकर। पर बहुत से नेताओं से नाराज़गी दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई दे रही है। पर अब ये तो जब 21 तारीख को ही पता चलेगा कि हकीकत में कौन किससे नाराज़ है। और हमारी पूरी कोशिश है, हमें फुल ग्रीन सिग्नल मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों से हम डोर टू डोर जा रहे हैं, बाकायदा ये हमारा मैनिफेस्टो लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं डोर टू डोर, और उनसे रूबरू जाके बातचीत कर रहे हैं। तो हमें तो बहुत पॉजिटिव रिप्लाई मिल रहा है। मीरा रोड से बोलिए आप, भाईंदर से बोलिए आप, बहुत अच्छा रिप्लाई मिल रहा है। आप इस चुनावी जो मुद्दा चल रहा है इसको आप त्रिकोणीय देखते हो, तीन कंटेस्टेंट के हिसाब से देखते हो, या फिर बीजेपी के हिसाब से आप नरेंद्र मेहता और गीता जैन को देखते हो, आप किस नज़रिए से देखते हो? मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मेहता और गीता जैन दोनों बीजेपी के ही हैं, भले वो लोग अलग अलग खड़े हुए हैं। गीता जैन जी जो है वो इंडिपेंडेंट खड़ी हुई हैं, बट वो तो हैं तो बेसिकली बीजेपी की।
हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे आम मीरा भाईंदर की पब्लिक के लिए, जो हमने जो लोगों ने आज 5 साल में काम हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। कहाँ है विकास? हमें तो नहीं दिखाई दिया विकास। जहाँ तक आप विकास की बात करें, पहले मैं आपके इस सवाल पे कि आपने जिस तरह से जवाब दिया उस तरह से आपके नज़र में ये जो कंटेस्ट है वो गीता जैन और नरेंद्र मेहता नहीं, गीता जैन नरेंद्र मेहता वर्सेस मुजफ्फर हुसैन है, यानी कि गीता जैन को आपने एक ही पार्टी के उम्मीदवार बताई, अभी भले ही वो अलग हो गए हैं, अपक्ष से लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी बीजेपी की है। तो मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो सीधी सीधी लड़ाई मुजफ्फर हुसैन से? जी हाँ, ये दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये शिष्टाचार और भ्रष्टाचार की लड़ाई है। मैं आपको दोबारा फिर कह रही हूँ, ये आप भले आप बोल लीजिए कि बीजेपी से नरेंद्र मेहता जी खड़े हैं या गीता जैन जी खड़ी हैं, ये एक ही पार्टी में ही गिना जाएगा, भले वो खुद इंडिपेंडेंट खड़े हुई हैं। और यहाँ पर अगर मुजफ्फर हुसैन साहब खड़े हुए हैं तो ये आम लोगों के लिए खड़े हुए हैं और लोगों के सपोर्ट आज मिल रहा है उनको, इसीलिए आज वो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे और लोगों के लिए जो है जो मैनिफेस्टो बनाया है इस पर इंशाल्लाह ताला पूरा उतरना है। आपने कहा कि शहर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मैंने कुछ जगह देखी है जहाँ पे कंक्रीट के रोड बन रहे हैं, ऐसे कई एक मैंने यहाँ पे हैदरी चौक पे देखा कि एक जो है मुस्लिम समाज के लिए एक हॉल भी बनाया गया है जहाँ पे मैरिज वगैरह का फंक्शंस लिया, इस तरह के 3-4 हॉल बने हैं। तो क्या ये इन सब को आप डेवलपमेंट नहीं मानते हो? आफ्ताब भाई, ऐसा है कि मैं आपको बताते हुए चलूँ, कोई मुद्दे 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं होते हैं, ये मुद्दे चलते हुए आ रहे हैं और ये इनके टाइम में इनका काम जो है वो पूरा हुआ हुआ है और तब ये सिर्फ रिबन काटे गए हैं। इसका प्रोसीजर जो है, आज जैसे मैं बताऊं आपको, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी काम के लिए आज दो साल में 3 साल में कोई प्रोजेक्ट और कोई चीज़ पास नहीं होती, पास होने के लिए भी उनको सालों लगते हैं और सालों लगने के बाद उसके बाद वो बनते हैं, पर जब उनका उद्घाटन होना होता है तब जो सत्ता में रहेंगी पार्टी, जाहिर सी बात है उन्हीं के हाथ से होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये जो जितना भी काम यहाँ पर हुआ हुआ है वो सब जो है जो सत्ताधारी पार्टी ने किया हुआ है। आपके सवाल का, आपने कहा दो तीन साल नहीं, ये 5 साल से आपकी सत्ता नहीं है यहाँ पे और दूसरी सत्ता आई हुई है, यानी बीजेपी आई हुई। अभी आपके सवाल को मैं ये मान ही लूँ, मान भी लूँ कि ये सारे प्रोजेक्ट बहुत पहले से अप्रूव थे या फिर बहुत पहले से इसकी बातें चल रही थी, फिर भी उन कामों को जो सत्ताधारी जो लोग बैठे उन लोगों ने पूरा तो किया? तो पूरा इसलिए मैंने आपको बताया है ना, हर चीज़ का होने के लिए टाइम जाता है आफ्ताब भाई, और वो टाइम वो उनकी शायद मेरे ख्याल से उनका कुछ अच्छा वक्त था कि उनके वक्त के दौरान ये काम पूरा हुआ और उनके हाथों से ही जो है वो रिबन कटी। तो आप ये मानती हैं कि ये जो डेवलपमेंट है ये पुराने डेवलपमेंट को कंटिन्यू किया गया और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने सिर्फ रिबन काटा है? हमारी सत्ता थी तब तक हमारे जो पाइपलाइन में हमारे काम पेंडिंग थे वो स्टॉप हो गए हमारी सत्ता नहीं रहने की वजह से। अब जो सत्ताधारी हैं वो उसी को फॉलो कर रहे हैं, कोई चीज़ उन्होंने नई नहीं की है, हमारे लिए वो चीज़ नई नहीं है, आम लोगों के लिए वो चीज़ नई लग सकती है क्योंकि ऑन पेपर्स जो चीज़ हो रही है वो आम पब्लिक आम जनता नहीं जानती है, सब चीज़ ऑन पेपर्स पहले होगी उसके बाद ही आपके सामने आएगी। सारा जी, ये बात तो वही हो गई ना कि सत्ता किसी की भी हो, जिस वक्त जिसकी सत्ता रही उन्होंने कोशिश की, काम की, दूसरी सत्ता आई उसको उसने उन्होंने और आगे बढ़ाया, तो इसका मतलब है कि कोई भी सत्ता आई है वो उस काम को बढ़ा रही है, ऐसा तो नहीं कि रोक के रख दिए आपके प्रोजेक्ट को उन्होंने, अगर आपकी बात माने तो आपके प्रोजेक्ट को उन्होंने रोका नहीं, तो इट मीन्स ये डेवलपमेंट है। प्रोजेक्ट रोका नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, जो मैं ये बोल रही हूँ कि ये काम पहले से पाइपलाइन में था और प्रोसीजर में था ये काम, और आज इस काम को अंजाम दिया गया है, ये बोल सकते हैं आप, ये काम जो पाइपलाइन में था इसको आज अंजाम दिया गया है, ये नया काम नहीं है। तो जिसने अंजाम दिया आप उसको क्रेडिट नहीं दोगे? मेरे आफ्ताब भाई, अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, आप जब तक नींव जो है वो मजबूत नहीं होगी आप हवा में बिल्डिंग बनाएंगे? मुझे एक बात बताइए, जब तक आपकी नींव जो है वो मजबूत नहीं है आप दलदल से बिल्डिंग बना सकते हैं? तो नींव तो हमने डाली है ना, नींव हमने डाली है, उसके ऊपर आप
20 माले की 25 माले की बिल्डिंग बना लीजिए, पर जब तक जब फाउंडेशन जो है वो मजबूत होगा तभी आपकी बिल्डिंगें भी टिकेंगी। चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए कि आप इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं, मैं इसको समझ सकता हूँ क्योंकि आप एक पार्टी से रिलेटेड हैं, कांग्रेस से रिलेटेड हैं, और कांग्रेस के ही एक उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन जो एक जाना माना चेहरा हैं, उनको मीरा भाईंदर का जब भी नाम लिया जाता है तो मुजफ्फर हुसैन जी का नाम आता है। आप इनकी जीत को देख रही हैं, आसानी से देख रही हैं, मुश्किल से देख रही हैं, क्या गीता जैन और नरेंद्र मेहता की आपसी लड़ाई का फायदा मुजफ्फर हुसैन को पहुंचेगा? जीत तो उनकी निश्चित है इंशाल्लाह ताला। अब ये फायदा और नुकसान ये तो पब्लिक ही बताएगी 21 तारीख को उतरकर, और इंशाल्लाह ताला उनकी जीत तो पक्की है क्योंकि हर तरफ हमें जो है पॉजिटिव रिप्लाई मिल रहे हैं। हम जो मुद्दों पे काम कर रहे हैं, ये मुद्दे पर लोग ये बोल रहे हैं ये मुद्दे पे 5 साल से काम क्यों नहीं, लोगों ने सोचा भी क्यों नहीं, करने की बात तो बहुत दूर की। जैसे मैं आपको एक बताऊं कि मैंने आपको बताया कि मीरा रोड से ट्रेन बनकर चले, आप ये सोचिए जो पीछे से जो ट्रेन आ रही है वो इतनी पैक रहती है कि सुबह में यहाँ से चढ़ने वाली पब्लिक जो है वो नहीं चढ़ पाती है, इतनी पैक रहती है। तो मतलब समझिए आप, ट्रेन से जाना तो मुश्किल ही है और रोड से जाना नामुमकिन है, क्योंकि टोल नाका जो 3 मिनट का सफ़र है उसको तकरीबन पौना घंटा लग जाता है वो सफ़र। जहाँ तक हमें पता है कि ये जो टोल नाका जब दहीसर में आया था तो तब आपकी सरकार थी, उस पर क्या बोलेंगे? मैं ये बोलूँगी कि हमारी सरकार जब थी, हमारी सरकार ने इसका विरोध किया था और हमारी सरकार ऑलरेडी इस पे जो है आंदोलन कर चुकी थी, आप इनके पहले के वीडियो देखिए, और उन्होंने इस पे आंदोलन भी किया था कि ये हटाइए, ये टोल नाका हटाना है, पर ऐसा वक्त हो गया कि हमारी सरकार चली गई और ये टॉपिक वहीं पे रुक गया, वो टॉपिक वहीं पे स्टॉप हो गया और जो सत्ताधारी पार्टी आई उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी ये टोल नाका हटाने की बात होती है तो एक ही चीज़ बात आती है कि फंडिंग कहाँ से आएगी, अगर टोल नाका हट जाएगा तो फंडिंग कहाँ से आएगी। मुझे एक बात बताइए, हम इतनी ऊंची-ऊंची जो मूर्तियाँ बना रहे हैं इसके लिए हमारे पास फंडिंग्स हैं, और मीरा भाईंदर की जो पब्लिक उनको जो तकलीफ़ हो रही है, 3 मिनट का जो सफ़र का रास्ता है वो पौना घंटे में वो बर्दाश्त कर रहे हैं और उसके ऊपर पैसे भी देते हैं, तो ये क्या ज़्यादती नहीं है? इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है ये मीरा भाईंदर के लोगों से कि ये टोल ज़रूर हटेगा, और अगर नहीं हटा तो मैं खुद आंदोलन पर जाऊँगी ये टोल हटाने के लिए, पर इंशाअल्लाह ताला ये टोल ज़रूर हटेगा। थैंक यू सो मच सारा जी हमसे बात करने के लिए। ये थी दबंग नगर सेविका सारा अक्रम, जो बहुत सारे मुद्दों पे नया नगर के जहाँ से ये नगर सेविका हैं उस पे आए दिन जो है उन सवालों को खड़ा करती हैं, खुद बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं और बहुत ही बेवाक बोलती हैं ये। इनसे हमने कुछ मुद्दों पे बात की क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स है, अभी जो जिस पार्टी के होते हैं ऑफ कोर्स वो उनके बारे में अच्छा ही बोलेंगे और अपोजिशन के बारे में बुरा ही बोलेंगे, लेकिन कुछ मुद्दों पे उन्होंने जो बात की वो टेक्निकली कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। अब देखना ये है कि नरेंद्र मेहता, गीता जैन और मुजफ्फर हुसैन, ये 3 उम्मीदवार जो है ठोस उम्मीदवार माने जाते हैं, अब इसमें किसकी लड़ाई का किसे फ़ायदा होगा ये तो 21 तारीख को जब मतदान होगा और 24 तारीख को जब रिज़ल्ट होगा तब पता चलेगा। थैंक यू सो मच।